हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आपके साथ पूरी दिन की रूटीन शेयर करूंगी। ये वीकेंड ब्लॉग है, सैटरडे का ब्लॉग है और हम आपके साथ कुछ हेल्दी रेसिपीज शेयर करूंगी और उसके साथ ही हमने अपने लाइफ में कुछ हेल्दी हैबिट ऐड की है। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस ब्लॉग। हमारी मॉर्निंग के सबसे पहली हैबिट है मेडिटेशन करना, ओम चैंट करना, और हम एज अ फैमिली करते हैं, तीनों आदमी करते हैं। अगर मैं कभी कुकिंग में बिजी हो गई तो मैं बाद में कर लेती हूँ, बट करती ज़रूर हूँ। और हम लोगों को ये करते हुए ईसा के आश्रम से आए हुए हमारा 15 दिन तो हो ही गया है। दो वीक में हम लोग सभी दिन किए हैं। ऐसा दिन कोई भी नहीं हुआ कि हम लोग नहीं ये किए हैं, बट लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है ओमकार चैंटिंग से। और उसके साथ ही मैं वहाँ से बहुत सारी हेल्दी चीज़ें खाने की सीखी हूँ, वो हमने लाइफ में ऐड की है। जैसे हो गए ब्रेकफास्ट में हो गए स्प्राउट्स खाना ही खाना है, फ्रूट्स खाना ही खाना है, तो यही हेल्दी हैबिट्स हो गई। उसके साथ ही अपने खाने में बहुत सारी वेजिस और फ्रूट्स ऐड करनी है। कैरेट तो मस्ट है, मूंग बहुत ही मस्ट है, बीन्स मस्ट है, ये सब सारी चीज़ें। और आप लोग मेरे रिसेंट ब्लॉग में आप देखते ही होंगे, मैंने बहुत सारे वेजेस को अपने लाइफ में ऐड की है। आज मैं बना रही हूँ ये कोकोनट वाली सूप, जो कि हम लोग ईसा के आश्रम में खाए थे। बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही सिंपल है। और उसी के साथ मैं यहाँ पर राइस बना रही हूँ, और राइस में मैं डालूँगी सब्जी डालूंगी, और सब्जी के तौर पे मैं इसमें कैरेट डाल रही हूँ। उसके साथ ही मैं यहाँ पे प्रोटीन के लिए मूंग डाल ली हूँ, और यहाँ पे मैं ली हूँ सोयाबीन ली हूँ। ये सारी चीज़ मैंने ईसा के आश्रम में खाई हूँ, तो मुझे वहाँ पे पता चल गया कि वो लोग क्या सर्व करते हैं। 3 दिन में और हमने 4 मील खाया, 4 मील में ही मुझे पता चल गया, बहुत सारी रेसिपी मैंने सीखा। और उनके खाने में ना ही जिंजर गार्लिक तो होते ही नहीं है, प्याज लहसुन नहीं होते, पूरा सात्विक खाना होता है। बट मैं इतना सात्विक नहीं कर रही हूँ, बट हाँ नॉर्मल मैं अपना जो भी करना होता वो करती हूँ, मसाले कम कर दी हूँ, वेजिस ज़्यादा ऐड कर दी हूँ। तो बस चलिए हेल्दी वाली राइस बनाते हैं। इसमें घी डाला, हींग जीरा डाला, और उसके साथ ही मैंने इसमें राई डाली थी, और फिर कड़ी पत्ता लेके आई, अपने घर में ही रखी हूँ, वहाँ से लेके आ जाती हूँ। बस उसको डाली, और कैरेट को ना इस तरह से स्लाइस करके डालो ना तो आपके राइस बहुत अच्छे दिखते हैं। थोड़े से कैरेट को मैंने शॉर्टे किया, और उसके बाद मैंने सारा चीज़ जो मिक्स करके रखी थी अपने प्रोटीन के पोर्शन में, और उसको अच्छी तरह से घी में फ्राई करेंगे, सॉल्ट डालेंगे, और उसके बाद आप पानी डाल देंगे जितना राइस को पकने के लिए चाहिए। तो ये वाला राइस जो है आपको प्रोटीन देगा, फाइबर देगा, कार्ब्स देगा, बैलेंस्ड आपका राइस बनेगा। तो बस मैंने अपना सूप भी बना लिया है, और सूप भी मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई हूँ, कुछ भी नहीं की हूँ, जस्ट थोड़ा सा उसमें ऑलिव ऑयल डाली और बाकी के हींग जीरा डाली और जिंजर डाली, बस उसको अच्छे तरह से सॉटे की, और बहुत सारे वेजेज डाली हूँ उसमें, और उसको बस फ्राई करके कोकोनट मिल्क डाल के उसको कवर कर दी। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर रायता बना रही हूँ, ये भी हमारे वेजिटेबल रायता हो गया, जिसमें कि मैंने कैरेट लिया है, मूली ली हूँ, और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे इसको कुकुम्बर को भी ग्रेट कर ली हूँ। तो इस तरह से देखने में ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और दही तो घर का ही है, बस इसमें मैंने सारा कुछ मिक्स किया, चाट मसाला और जीरा पाउडर, और उसके बाद ब्लैक सॉल्ट, और उसके बाद खूब सारा यहाँ पे आप अपने वेजेस ऐड कर दीजिए, तो ये आपके हेल्दी से सैलेड रेडी हो जाएंगे। रायता बोलो, सैलेड बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। और बस मैंने ये राइस जो बनाया था इसमें मैंने कोकोनट में मुझे बाद में ऐड करना है, तो इसलिए मैंने इसके लिड पे रख दी कि मैं भूलूँ नहीं। और बस इसको कोकोनट को ना मैं इस तरह से डाल दूँगी और इसको कवर कर दूँगी और उसको बस बंद कर देंगे। उसी के साथ ही मैं यहाँ पे फ्रूट्स कट कर लेती हूँ। तो मैंने जैसा कि बताया कि ईसा के आश्रम में देखी थी, बस वो लोग ना खाने में सब कुछ ऐसा ही चीज़ें ऐड करते हैं, फ्रूट्स ऐड कर देते हैं ताकि आप ना कार्ब्स कम खाओ, फाइबर ज़्यादा लो और विटामिन्स आपको मिले। तो इस तरह से फ्रूट्स आपके प्लेट्स में बहुत सारा दे देते थे, राइस कम होता था, सैलेड होता था,
तो इस तरह से बैलेंस्ड मील हो जाता है। और मेरा यहाँ पे सारा कुछ बन के रेडी हो गया है, तो मुझे लगा कि अभी मेरा जो बनाना मैंने दिखाया था लास्ट ब्लॉग में, उसका बनाना ब्रेड बनाना है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप के आसपास ली हूँ आलमंड्स, ली हूँ नहीं आलमंड्स नहीं है वॉलनट है सॉरी, और वॉलनट्स को मैंने बहुत ही फाइनली चॉप कर ली हूँ, क्योंकि जब मैं इसको बेक करूँगी तो मिक्स हो जाएगा। और बाकी के सारे सामान निकाल ली हूँ, गेहूँ का आटा हो गया, शक्कर हो गया, दूध हो गया, फिर उसके साथ बटर हो गए, सारा कुछ मैं निकाल ली हूँ यहाँ पे। और ओट्स भी ले ली हूँ, सिनेमन हो गया, ओट्स फ्लावर। और मैं बहुत हेल्दी तरीके से बनाऊँगी, ना ही इसमें अंडा डालूँगी, ना ही इसमें मैं मैदा डालूँगी, और बहुत ही फ्लफी सा आपका बनाना ब्रेड बन के रेडी होगा। और इसके लिए ओवर राइप जो बनाना होते हैं ना, वो तो काफ़ी अच्छे होते हैं। बस सारे बनाना को पील कर लूँगी और इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। और बस बनाना को मैश करके अलग रख दी हूँ। और अभी यहाँ पे क्या करेंगे ना, बटर को थोड़ा मेल्ट कर लेंगे, ताकि जब आप इसके पूरा इंग्रेडिएंट को मिलाना तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। बस 30 सेकेंड के लिए मैं रख दी हूँ माइक्रोवेव में, और ये जल्दी से यहाँ पे मेल्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए मेल्ट हो गया है, ये मेरा 1 स्टिक का बटर है। इसमें मैं पूरा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा ले ली हूँ। और यहाँ पे मैं 1/2 कप डाल रही हूँ गुड़ का पाउडर, और इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसका जो मेजरमेंट है, मैं ऐसा कुछ नाप नाप के नहीं देती हूँ, अगर आपको चाहिए किसी का माप तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बट मैं ऐसे ही डालती हूँ कि ना आपको कितना ये चाहिए, और उसके साथ ही जितने भी वेट इन्ग्रीडियंट होते हैं ना बनाना ब्रेड बनाने के लिए, उसको पहले मिक्स किया जाता है। और मैं यहाँ पे दूध डाल रही हूँ, अगर आप अंडा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, एग्स डाले, 2 एग्स डाले तो दूध मत डालिएगा, नहीं तो आपके जो बनाना ब्रेड है बहुत ही ज़्यादा वाटरी हो जाएंगे, फिर वो अच्छे से इस तरह से बेक नहीं होंगे। और बस ये आलमंड का मैंने जो क्रस्ट बनाया था, इस वाले जो हमारे पास जो वेट इंग्रेडिएंट है, सारे को मिक्स कर लेंगे और बहुत ही अच्छा तरह से मिक्स करके इसको एक तरफ रख देंगे। तो ये देखिए हमारा रेडी हो गया है। अभी ड्राई इंग्रेडिएंट मैं ली हूँ 1 कप गेहूं का आटा ली हूँ, और 1 कप ली हूँ ओट्स फ्लावर। तो और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून है, तो उस हिसाब से मैं तो बेकिंग पाउडर थोड़ा कम डालिएगा, बट बेकिंग सोडा थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा। बेकिंग पाउडर ज़्यादा डाल देने से फिर अच्छी तरह से ये बेक नहीं होंगे। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सिनेमन पाउडर, और सिनेमन पाउडर भी 1/4 टीस्पून ही होगा। और 1 चुटकी मैंने इसमें सॉल्ट डाला है, और इसको सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से सीव कर लेंगे। आप इसको 2 बार करें तो सारे इंग्रेडिएंट काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, बट मैं 1 ही बार की हूँ। और जब सारे इंग्रेडिएंट मिक्स हो जाए, तो आपके वेट वाले इंग्रेडिएंट में ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स करना है। और इसमें याद रखिए, कोई भी पानी, कोई भी आपको दूध, कुछ भी नहीं डालना है। मेजरमेंट परफेक्ट होना चाहिए, तभी आपके बनाना ब्रेड है ना बिल्कुल स्टारबक्स वाले बनाना ब्रेड जैसे ही बनेंगे, और कोई फेल नहीं होगा, बिल्कुल भी फेल नहीं होगा। और देखिए आप इसको मिक्स करते 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 ना, ये कुछ इस तरह से होगा। और आप इसको ना बिल्कुल इसी कंसर्न रखिएगा, ज़्यादा इसको वाटरी नहीं बनाइएगा, जैसे कि होता है ना थोड़ा सा केक का बैटर थोड़ा पतला होता है, बट ये हमारा बनाना ब्रेड है तो इसको हमको केक का बैटर नहीं बनाना है। और बस 2 मोल्ड दिया है मैंने, इसको अच्छी तरह से बटर लगा देंगे, और इसमें बनाना ब्रेड का जो हमारा रेडी मिक्सचर है इसको इसमें डाल देंगे, और इसको अच्छी तरह से 1 बार टैप करके और स्पून से इसको इवन फ्लैटन कर लेंगे। और इसको फ्लैटन करने के बाद ना, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा गार्निश के लिए, और जब आप इसको बेक करके निकालो तो काफ़ी अच्छा लगेगा, तो उसके लिए ना जो ओट्स होते हैं ना मैंने इसके ऊपर डाला, और मैंने जो थोड़ा सा बचा के रखी थी या आलमंड्स का चॉप्ड वाला, इसके ऊपर डाल देंगे, ताकि ये देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा जब ये बेक होकर रेडी होगा।
तो चलिए अब इसको अवन में डाल देते हैं। और अवन को मैंने प्री हीट करके रखा है 375 डिग्री पे, और ये फ़ारेनहाइट पे है, सेल्सियस पे नहीं है। तो मैंने इसको रेडी करके रखा था, हमारा अवन है, मेरा प्री हीट हो गया है। और 35 मिनट का टाइमर सेट कर देंगे और मैं इसको ऑन करके चलती हूँ दूसरे काम करने के लिए किचन में। तो अभी किचन मैंने अम्बी बोली मुझे बनाना ब्रेड नहीं खाना, उसको पसंद नहीं है, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ फ्रूट केक। मैं सोची सारा सामान निकला ही हुआ है तो उसके लिए भी बना देती हूँ, तो बस वही मैं ली हूँ। ओट्स फ्लार ली हूँ, गेहूँ का आटा ली हूँ, बटर थोड़ा सा मैंने और मेल्ट किया। अभी इन सबको मिक्स कर देंगे। और इसमें मैंने गुड़ नहीं डाली हूँ उसके वाले में केक में, क्योंकि उसको थोड़ा सा अच्छा, मैं बच्चे को कभी कभी मैं ऐसा बेक करती हूँ तो मैं सोची चलो उसके अकॉर्डिंग ही बनाती हूँ। तो इसमें मैंने नॉर्मल चीनी डाला है, और इसका ना बिल्कुल केक वाला बैटर बनाना है। आप ये देखिए बनाना ब्रेड जैसा नहीं है, थिक सा बैटर है। और अब इसमें डाल दूँगी मेरा जो फ्रूट वाला टूटी फ्रूटी होता है, इसको डाल दी हूँ, और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे और इसको भी बेक होने के लिए डाल देंगे। और साथ ही साथ हमारा तीनों ब्रेड जो है ना, दोनों बनाना ब्रेड और ये मेरा फ्रूट केक बनके रेडी हो जाएगा। तो बहुत ही घर का बना हुआ केक तो हेल्दी होता है, ऊपर से आप अपने अकॉर्डिंग कौन से इंग्रेडिएंट डालना है कौन सा नहीं डालना है ये आप इसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो चलिए इसको मोल्ड में डाल देते हैं और इसको भी बेक होने के लिए रख देते हैं। तो सारा खाना बनाई उसके बाद मैंने ये बेकिंग वाला काम शुरू कर दी हूँ, तो बस बेक होने के लिए रख दी थी। तो अब मुझे खाली करना है डिस्क वाशर, तो डिस्क वाशर खाली करना शुरू कर दी क्योंकि अभी बहुत सारे बर्तन हो गए हैं तो फिर से डिस्क वाशर लोड करना है उसकी वजह से। तो चलिए डिस्क वाशर खाली करते हैं। डिस्क वाशर खाली करने के बाद मैंने सारे बर्तन को रख दिया डिस्क वाशर में। उसके बाद मैंने हाफ डन हो गया है मेरा दोनों केक, तो मैं इसको ना एक बार इंसर्ट करके देख रही थी टूथपिक कि ये पका है या नहीं, तो ये साइड साइड से पक गए हैं, बीच में नहीं पके हैं। तो आप देखिए आप इसको जब भी इंसर्ट करेंगे टूथपिक तो ये पूरा ना वेट जैसा निकलेगा। तो ये अभी रेडी नहीं है, बस मैं इसको और 15 मिनट के लिए सेट करके चली गई शावर लेने के लिए, और शावर करके लेके आई और मैं यहाँ पर भी पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद फिर हम लोग अपना लंच करेंगे जो मैंने लंच बनाया है। तो चलिए जल्दी जल्दी से पूजा कर लेते हैं। पूजा करने के बाद जय श्री कृष्ण आप सबको, और भगवान जी का पूजा करने के बाद अभी आ गई हूँ मैं किचन में। तो मैं अभी आ गई सबसे पहले केक देखने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि ये बंद भी हो जाए तो फिर भी इसमें ये चलता ही रहता है, गर्म पे रहता है। और अम्बी को भूख लग गया था तो मैं बोली ठीक है पहले उसका खाना मैं निकाल देती हूँ। हस्बैंड का क्लास चल रहा था तो वो बोले कि थोड़ा देर रुक जाओ और मैं यहाँ पर अम्बी के लिए निकाल दी हूँ। तो ये मेरा सूप हो गया, उसके साथ राइस हो गए, और ये हमारा जो रायता हो गया उसके साथ ही फ्रूट्स डाल के अम्बी को मैं खाने के लिए दे देती हूँ, क्योंकि वो वहाँ पे थोड़ा टीवी देख रही है सुबह से, वो भी अपना पियानो प्रैक्टिस, थोड़ा बुक रीडिंग, थोड़ा अपने चैनल के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग ये सब कर रही थी। उसका जो स्टोरी टाइम चैनल है वहाँ पे अपनी वीडियो अपलोड करती है। तो बस ये भी शावर लेके आ गई है, इसको खाना दे दी हूँ और मैं निकाल लेती हूँ अपने बनाना ब्रेड को इस मोल्ड से बाहर, और अभी दिखाती हूँ आपको कितना बढ़िया बन के रेडी हुआ है। जितनी बार बनाती हूँ ये उतनी बार अच्छा परफेक्ट बन के निकलता है, और ये मैं आपको दबा के भी दिखाई देखिए कितना सॉफ्ट बना है।
तो ये देखिए सारे केक जो है ना बनाना ब्रेड बहुत अच्छे सॉफ्ट बने हैं, इवन फ्रूट केक भी सॉफ्ट बने हैं। तो बस मैं इसको कूलिंग रैक पे रख दी हूँ ठंडा होने के लिए, और ये वाला जो मैंने शॉर्ट के लिए वीडियो शूट किया था तो बस मैं यहाँ पे भी आपको दिखा रही हूँ। तो ये मेरा लंच थाली है, तो हस्बैंड को भी मैं खाने के लिए दे दी, उनका क्लास अभी और चलता है, तो मैं बोली कि चलो ठीक है आप वहीं पर खा लो, तो उनको मैं वहीं पर दे दी खाने के लिए। और मैं आ गई हूँ अम्बी के साथ खाने के लिए, तो अम्बी वहाँ पे कोई एक मूवी देख रही थी, तो मैं सोची चलो तुमको ज्वाइन करते हैं। मैंने आपको बहुत बारी आपको वीडियो में दिखाया कि मैं अम्बी के साथ बहुत बात करती हूँ, वो जो मूवी देखती है उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, उसके साथ स्टोरीज पूछती हूँ, तो इसको अच्छा लगता है। ये मम्मी भी मेरे पसंद की चीज़ें देखती हैं। तो बस हम दोनों यहाँ पर अभी जल्दी से अपना लंच कर लेते हैं और टी वी देखते देखते इंजॉय कर रहे थे। तो बस तब तक हमारा जो केक है और बनाना ब्रेड है दोनों ठंडा हो गया है, और अभी इसको कट करके दिखाते हैं आपको। देखिए कितना अच्छा बना है, ये जो अंदर तक ना इसका जो आलमंड्स है, बार बार मैं आलमंड्स बोल रही हूँ, वॉलनट है ना, इसके अंदर एक क्रंची सा फ्लेवर लाता है, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, क्रंच नहीं रहता है बट आप जब खाओगे तो आपके मुँह में फील होता है। तो मैं इसको इसलिए कट कर रही हूँ और इसमें रख रही हूँ क्योंकि अभी हम लोग निकल रहे हैं रोड ट्रिप के लिए, क्योंकि हस्बैंड का सडनली प्लान बना कि चलो घूम के आते हैं ऐसे ही घर में, अभी सैटरडे संडे ही है, आज सैटरडे है, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है हम लोग रास्ते में खाने के लिए ये बनाना ब्रेड और ये ले लेते हैं कि कहीं पे भूख लगेगा तो खाएंगे। तो ऐसे हम लोग माउंटेन जा रहे हैं और अगेन हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 2-2.5 घंटे की डिस्टेंस पे है, तो हम लोग चले जाएंगे और घूम के आ जाएंगे। थोड़ा सा ना कभी कभी ऐसा ही प्लान बन जाता है हम लोग का, रैंडम प्लान के चलो यहाँ घूम के आते हैं वहाँ घूम के आते हैं। तो ये देखिए हमारा केक रेडी हो गया है, अम्बी को मैं थोड़ा खाने के लिए दी, इसको बहुत ज़्यादा पसंद आया, बोली फिर से बनाना ख़त्म हो जाएगा, तो हम बोले भी पहले इसको तो ख़त्म करो। और बस सारा कुछ थोड़ा सा केक और पानी वानी लेके हम लोग निकल गए हैं। ऐसे ही ना कभी कभी ना निकल जाओ किसी ट्रिप पे, रोड ट्रिप पे बातें करने के लिए लॉन्ग ड्राइव पे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे हस्बैंड की ये हॉबी है कि हम लोग को सबको लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलते हैं, कहीं ऐसे ही घूमने के लिए, कहीं नहीं भी घूमना है तो। तो बस हम लोग निकल गए थे और 1-2 घंटा हो गया था इनको ड्राइव करते हुए। तो फिर हम लोग एक जगह मैकडोनल्ड पे रुके थे, अम्बी को फ्रेंच फ्राइज चाहिए था, तो हम बोले कि चलो हम लोग अपने लिए भी ले लेते हैं, तो उसको फ्रेंच फ्राइज और हम लोग अपने लिए ये ड्रिंक ली, और हम लोग ड्राइव करते हिकड़ी पहुँच गए थे। और उसके बाद चलिए मैं आपको आगे का ना जो रोड का नज़ारा है आपको दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होने लग गया, बहुत हैवी रेन होने लग गया, हम लोग माउंटेन गए थे जस्ट फॉर द कि थोड़े देर के लिए वहाँ बैठेंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, थोड़े से इधर उधर घूमेंगे और चले आएंगे, बट वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, बहुत ही स्नोफॉल होने लगा, क्योंकि रैंडम प्लान बनाओ तो ऐसा ही होता है। हमें रुकना नहीं था वहाँ पर, वापस आ जाना था, इसलिए हम लोग बोले कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। स्नोफॉल होने लगा तो हमें लगा कि चलो अब घर निकलते हैं, और वहाँ पे लेकिन हम लोग आधा एक घंटा रुके, स्नो इंजॉय किए और वापस से घर आ गए। तो चलिए आप भी रास्ते में ये वाला जो स्नोफॉल है हमारे लॉन्ग ना ये लॉन्ग ड्राइव पे आपको भी देख के अच्छा लगेगा। तो ये हमारा स्नो में ड्राइविंग भी हो रही है और मज़ा भी बहुत आ रहा था।
माउंटेन है, बून है, बून में है बम माउंटेन नॉर्थ कैरोलिना में। और ये यहाँ पे श्री श्री रविशंकर का बहुत बड़ा मेडिटेशन सेंटर है, हमें वहाँ पे एक्सप्लोर करना था क्योंकि हम लोग अपना नेक्स्ट वेकेशन प्लान यहीं पे करने वाले थे, तो हमें लगा कि चलो घूम के आते हैं। बट वापस वहाँ नीचे निकलते समय इतनी तेज़ स्नो होने लग गई कि रास्ता भी नहीं दिख रहा था, बहुत ही डेंस फॉग होने लगा। बट थोड़े 15-20 मिनट ड्राइव करने के बाद क्लियर स्काई हो गया, तो हम लोग अब बस घर पहुंच गए। और घर पहुंचने के बाद हम भी अपना बहुत कुछ, ये ना स्टिकर बनाती है तो ये स्टिकर सारा ना खुद अपने हाथ से बनाई है। वैलेंटाइन डे के समय भी बनाई थी तो अपनी आर्ट वाली टीचर को दी थी, तो मेरे सामने बोल रही थी इसको बहुत अच्छा स्टिकर बनाने आता है, ये देखिए सारा स्टिकर वही बनाई है। और बस हम लोग मैं उसका स्टिकर ये सब देख के शाम का दिया बाती जलाई और चाय बना ली हूँ चाय पीने के लिए, तो जल्दी से चाय बना ली। अम्बी से पूछी क्या खाना है, तो उसको इडली खाना है तो मैं उसके लिए इडली बना देती हूँ। तो हम लोग भी डिनर में दो दो इडली ले लिए, दिन का सूप था वो खा लिए, और अभी रात के 9 बज गए हैं तो सबका मैं पानी का बॉटल भी रेडी कर दी हूँ। और या मेरा हो गया, हस्बैंड का हो गया, अम्बी के हो गए, और अभी मुझे पढ़ने जाना है तो अपना सारा कुछ रेडी कर ली हूँ। और मुझे लगा थोड़ा सा ऑयलिंग कर लेती हूँ बाल में, क्योंकि बाल थोड़े ना इधर कुछ दिन से मैं अपना ऑयलिंग करना ये मिस हो रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं आज मैं कर ही लेती हूँ, फिर उसके बाद कल हेड बाथ करना है तो अच्छा ही होगा। तो ये मैं वेदिक्स का जो हेयर ऑयल है ना यही मैं यूज कर रही हूँ फिलहाल जब तक मेरे पास ये है, तो मैं इसको लगा लेती हूँ और बाल में चोटी कर लेती हूँ तो अच्छा लगता है, रात को सोने के समय भी अच्छा लगता है। और बस बहुत सारी कुकिंग, रोड ट्रिप के बाद मैं क्लीनिंग नहीं कर पाई थी, तो अभी मैं यहाँ पे सारा जो टेबल चेयर है सबको ऊपर कर देते हैं, ये जो हमारे मैट्स हैं रग्स हैं सबको ऊपर कर देते हूँ। और मैं यहाँ पे ना ऑन कर दूंगी रूम्बा को, क्योंकि अभी तो मुझे सोना नहीं है, तो कम से कम 12-1 बजे तक मुझे पढ़ना है, क्योंकि पूरा दिन हम लोग घूमते रहे, खाना बनाई यही सब में मेरा चला गया, पढ़ी नहीं। तो यहाँ पे रूम्बा का जो ये वाला पूरा भर गया था, तो बस इसको मैं क्लीन कर दी हूँ और इसको ऑन कर देती हूँ, तो ये अपना 3-4 घंटे तक आराम से ये भी साफ़ करेगा, तब तक मैं भी अपना पढ़ती रहूँगी। और अम्बी को उसने बोला कि मैं आपके लिए स्टिकर बना देती हूँ, तो उसने पूछा क्या क्या बनाना है तुम्हारे लिए मम्मी, तो वो मेरे लिए ये सब स्टिकर बनाई। मैं बोली मुझे कैट चाहिए, डॉग चाहिए, और मुझे अपनी एज ए फैमिली हमारा एक स्टिकर चाहिए, तो ये सारा मेरे लिए बना के रेडी कर दी है। और मैं इसको बोली ठीक है तुम्हारी तरह मैं अपने जर्नल में लगाऊंगी, तो मैं इसको कल अपने जर्नल में स्टिक करूंगी। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं अपना सारा कुछ करके ऊपर आ गई थी, अपना पढ़ाई कर रही हूँ। और जब भी मैं पढ़ती हूँ मेरे बगल में ही आम भी पढ़ती है, उसको रात को बुक रीडिंग करना ही होता है, तो ये बेड में ब्लैंकेट में इतना ज़्यादा अंदर घुस गई है कुछ दिख ही नहीं रही है, वही मैं इसको बोल रही हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा हंसने लगी और अपना बुक रीडिंग करते करते मेरे साथ ही यहाँ पे सो जाएगी। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, बाय।